हिसार में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव व जिला पार्षद कृष्ण सातरोड व प्रदेश सचिव मनोज टाक माही के नेतृत्व में बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दाम के विरोध में एचएयू के 4 नंबर गेट से लेकर लघु सचिवालय तक मोटरसाइकिल को पैदल चलाकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान हिसार के उपायुक्त के माध्यम ज्ञापन देने का काम किया गया। हिसार से हमारे संवाददाता परवीन वर्मा की रिपोर्ट। आज हम सभी साथी यहाँ जो केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के नाम पर लूट मचा रखी है, आम जनता को लूटने का खसोटने का काम किया है, धीरे धीरे कभी 50 पैसे कभी 60 पैसे आज लगातार 17वें दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। लगभग 10 रुपये पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। ये नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार की आम जनता की विरोधी नीति को दर्शाता है कि वो एक कोरोना महामारी के दौरान भी आम जनता को लूटने से नहीं चूक रही, जबकि इनको पता है कि आम जनता की जेब में एक नया पैसा तक नहीं है। वो 80 रुपये पेट्रोल डीजल, और जबकि करूड़ के ऑयल है जो वो आधे से भी कम है, $42 प्रति बैरल है, जो कि कांग्रेस के समय में $130 में प्रति बैरल मिलता था, और डीजल और पेट्रोल के दाम वही सेम, यानी ये 3 गुना ज़्यादा लूट मचा रहे हैं। और आज डीजल और पेट्रोल का जो दाम 40 रुपये होना चाहिए वो 80 रुपये कर रहे हैं। कल हमने जब ये पोस्टर बनवाए तो जो पोस्टर बनाने वाला था उसको भी नहीं पता था कि दाम 75 रुपये जा चुके हैं। उसने बोला भाई साहब 75 रुपये कैसे, मगर भाई साहब ये सरकार है आपको पता नहीं लगने देती, धीरे धीरे 50-50 पैसे करके इसने तेल के दाम बढ़ा दिए। कांग्रेस के समय में 2 रुपये तेल बढ़ता था तो अखबारों की हेडलाइन बनती थी, आज ये डेली एक कोने में आता है कि आज इतने तेल के दाम बढ़े, सरासर लूट है। युवा कांग्रेस इसका विरोध करती है और हम और भी आगे धरने प्रदर्शन जारी रखेंगे अगर ये लूट बंद नहीं हुई तो।